नौजवान साथियों के साथ खिलवाड़ करती सरकारें। मेरे दोस्तों, अभी जल्द में ही लगभग 15-20 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि किस तरीके से जो हमारी सरकारें हैं, ये हम विद्यार्थियों के साथ, हम नौजवानों के साथ, हमारे जो युवा साथी हैं, हमारे देश की जो युवा शक्ति है, उनके साथ खेलते रहते हैं, मजाक करते रहते हैं। मुझे लगता है कि अभी 10-15 दिन बीता होगा, मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था और आज आपने उसका एक अच्छा नमूना देख लिया होगा कि किस प्रकार से जो ये सरकारें हैं, ये हम विद्यार्थियों के साथ, हमारे जो युवा साथी हैं, उनके साथ खिलवाड़ कर रही हैं। आज 28 नवंबर 2021 को यूपी टेट की परीक्षा होने वाली थी। हमारे विद्यार्थी रात दिन मेहनत करके, जी जान लगाकर परीक्षा की तैयारी करते हैं, परीक्षा देने के लिए पहुंचे। जाने बच्चा कहां कहां से चल के आया, बच्चे भूखे प्यासे, क्या ट्रेन की यात्रा, क्या बस, मोटरसाइकिल, मतलब जिससे बन पड़ा, किसी भी तरीके से परीक्षा केंद्र तक पहुंचना है और परीक्षा देना है। हम लोगों ने भी खूब प्रयास किया कि कैसे बेहतर से बेहतर किया जाए, हमारे बच्चे बेहतर करें। एक्सीड सोसाइटी ने काफी मेहनत की, हम लोगों ने मॉक टेस्ट करवाए। कहने का मतलब है कि किस तरीके से हम नौजवान मिलकर अपने भविष्य के लिए मेहनत करते हैं, योजना बनाते हैं, रणनीति बनाते हैं, रात दिन एक करते हैं, और सरकारें हमारे उस मेहनत के साथ, हमारे भविष्य के साथ एक झटके में खेल जाती हैं। मेरे दोस्तों, मैं यहाँ पर किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बार बार ये बोलता हूँ कि मेरे किसी भी वाक्य को, मेरे किसी भी वीडियो को कोई भी बच्चा, कोई भी विद्यार्थी राजनीति से नहीं जोड़ेगा। क्या हमारी सरकारों के अंदर इतना भी दम नहीं है कि वो ये परीक्षा करवा सके, कोई भी सरकार रही हो? आज वर्तमान सरकार है, इसके पहले जो हमारी सरकारें रही हैं, ठीक है, उनका जो है रोजगार के प्रति, रोजगार के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उनके प्रति जो रवैया रहा है वो बहुत ही घटिया किस्म का रहा है। इतना हल्कापन दिखता है सरकार के रवैया में। अरे भाई, कैसा शासन प्रशासन है यार! आप एक प्रदेश में होने वाली परीक्षा को सफलतापूर्वक नहीं करवा पा रहे हैं। आखिर किस प्रकार के संसाधन की कमी है आपके पास? अभी एक चुनावी रैली करवाना हो, ठीक है, तो देखिए कितने सफलतापूर्वक आपकी रैली होगी, कहीं से कोई समस्या नहीं आएगी। तो इसीलिए मैं सरकार के ऊपर बार बार ये प्रश्न उठाता हूं कि सरकार, हमारे जो विद्यार्थियों का, हमारे जो नौजवान साथियों का मुद्दा है, उसको इतने हल्के में ना लें। ये बहुत ही गंभीर विषय है। जाने कितने लाख विद्यार्थी, ठीक है, जाने कहां कहां से परीक्षा केंद्र तक पहुंचे परीक्षा देने के लिए। अब इससे ज्यादा मजाक, इससे बेकार जो है रवैया क्या हो सकता है? जो भी लोग इसमें दोषी पाए जा रहे हैं, मैं सरकार शब्द का प्रयोग इसलिए करता हूं क्योंकि अगर सरकार दोषियों को नहीं पकड़ पाती है, दोषियों पर अंकुश नहीं लगा पाती है, तो बार बार अपराध बढ़ते हैं। जब देखिए तब पेपर आउट, कोई भी पेपर होता है पेपर आउट हो जाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार की कमी है। जो लोग इसमें दोषी पाए जा रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ठीक है। सरकार उसके लिए
नया कोई नियम कानून बनाए, जो करना है करे। जो लोग भी दोषी हैं किसी प्रकार का उसमें सोर्स सिफारिश जुगाड़ नहीं चलना चाहिए। हमारे भारत में, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में कानून व्यवस्था में भी जुगाड़ चलता है। इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी वहाँ पर कोई ना कोई जो अपराधी है वो जुगाड़ लगाकर बच जाते हैं, ये भी एक देशद्रोह का मामला है। अगर कोई व्यक्ति इतने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है तो ये सीधा सीधा देशद्रोह का मामला बनता है। ठीक है, इससे बड़ा भ्रष्टाचार का नमूना कोई नहीं हो सकता। तो सरकार को इस पे कड़ा एक्शन लेना चाहिए। जो भी लोग पकड़े जा रहे हैं उनके साथ कोई भी रियायत नहीं होनी चाहिए। और मैं अपने विद्यार्थियों से, अपने नौजवान साथियों से ये कहना चाहूंगा कि आपको हताश नहीं होना है, आपको निराश नहीं होना है, आपको फिर प्रयास करना है। ठीक है, हमें आपको जितनी बार हम आप गिरेंगे हम आपको उतना मजबूत होना है, हमें उतना अपने आप को कठोर बनाना है और हमें फिर से तैयारी करना है। हम कोचिंग वाले, हम अध्यापक फिर से आपके लिए मेहनत करेंगे। बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए कुछ प्लान बनाता हूं एक्सीड सोसाइटी के माध्यम से कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। आज कल में मैं आपके लिए के लिए एक वीडियो लेके आऊंगा। बस मेरे दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक उद्देश्य है कि आप लोग हताश ना हो, आप लोग निराश ना हो, मेहनत करें। ठीक है, आज नहीं कल हम लोग सफल होंगे। बस इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।